मेरे ऊपर लिखे हुए ये दो इट्स हैं जिसको लेकर कभी ना कभी गलती हो ही जाती है इस्तेमाल को लेकर, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये गलती आपसे कभी जिंदगी में नहीं होगी दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखो सबसे पहला वाला जो इट्स है ना, ITS वाला इट्स, ये वाला इट्स की तीन मीनिंग निकल के आती है। सबसे पहला इट इज, दूसरा इट वॉज और तीसरा इट हैज। यानी apostrophe-s कोई एक हेल्पिंग वर्ब को रिप्रेजेंट करता है और इट के साथ होने पर केवल वो वाली हेल्पिंग वर्ब होगी जो सिंगुलर होती है और जिसके लास्ट में एस होता है दोस्तों। इसलिए इस वाले इट्स का मतलब इट इज, इट वॉज और इट हैज होता है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब अगर आप ध्यान से देखें तो एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गई दोस्तों। जब सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए होगा ना तभी आपको ये वाला इट्स का यूज करना है। वहीं पर दूसरा वाला जो इट्स है ना वो एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों। ITS ये एक एडजेक्टिव होता है बाकी एडजेक्टिव्स के जैसे, जैसे हिज है, हर है, माय है, योर है, वैसे ही ये भी एक एडजेक्टिव होता है। और इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप किसी ना किसी नाउन के पहले करते हैं। इनको सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस आपके सामने, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो आपको तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ही चाहिए होगा ना, तो apostrophe-s वाला इट्स लगेगा। दूसरा वाला भी आप देखिए, इट apostrophe-s बीन अ लॉन्ग डे, यहां पे इस apostrophe-s का मतलब हैज हो जाएगा, यानी इट हैज बीन अ लॉन्ग डे। तो देखिए ये भी सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। और तीसरे वाले में इट्स माय फेवरेट मूवी, यानी कि इट इज माय फेवरेट मूवी, यहां पर भी हमें सब्जेक्ट और वर्ब ही चाहिए। नीचे के तीन एग्जांपल्स कौन से हैं, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, आप एक नाउन के पहले लिख रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कवर के पहले लिख रहे हैं, द बुक लॉस्ट इट्स कवर, तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरे में, द कैट चेज्ड इट्स टॉय, ये टॉय एक नाउन से पहले आप इट्स लिख रहे हैं तो यहां पर ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ITS एक एडजेक्टिव है जो हमेशा नाउन से पहले आएगा, पर apostrophe-s एक सब्जेक्ट और वर्ब है जो नाउन से पहले नहीं बल्कि सेंटेंस की शुरुआत करेगा साथ। अब आपके लिए होमवर्क में ये चार सेंटेंसेस है, 1, 2, 3, 4, चारों सेंटेंसेस में बताइए किसमें ये वाला इट्स आएगा और किसमें ये वाला इट्स आएगा। आप फटाफट इन चारों का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा साथियों। वीडियो बढ़िया लगी और कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो फटाफट अपने साथियों के पास भी वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।